साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब के जो पिता का नाम शाहजहां था और उसकी जो माता का नाम था मुमताज महल कहा गया, उसका नाम था आरजुमन बानू बेगम। 1658 में ये राजा बना। इसकी कहानी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये इसके पहले इसके जो चार भाई थे उनका आपस में संघर्ष हुआ और फाइनली औरंगजेब ही सबको हरा करके ख़त्म करके राजा के रूप में सामने आया। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था दिलदास बानू बेगम और ये औरंगजेब बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति था। इसकी एक ही पत्नी थी और साथ में ये कोई नशा नहीं करता था। जिस तरीके से अय्याशी टाइप के जो राजा गलत तरीके की जो आदतें राजाओं के अंदर होती हैं वो नहीं थी। ये बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति था कि जैसे ही राजा बना इस्लाम के आधारित राज्य व्यवस्था चलाई इसने और इसका एक कोशिश था कि हम इस्लामिक राज्य व्यवस्था को यहाँ अच्छी तरीके से लागू करें। साथ में कहा गया था कि ये कुछ लेखक ये लिखते हैं कि इसको दारुल हर्ब कहता था। दारुल हर्ब का मतलब ये था कि गैर मुसलमान का देश है ये, तो इसको दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। ये कोशिश उसने की, ऐसा लेखक लिखते हैं। इसने जो है अपने दरबार के अंदर जो इस्लाम से जुड़ी हुई, जिसमें इस्लाम के हिसाब से सही है, उसी चीज़ों को रखा था और बाकी चीज़ों को इसने बंद करवा दिया था। दिवाली मनाने का, होली मनाने का, जिस तरीके जो त्यौहार मनाने के जो सामूहिक हिंदू मुसलमान वाली जो परंपरा थी उसको ये उसको ख़त्म करके सिर्फ इस्लाम की परंपरा को चलाना चाहता था। हिंदू मुसलमान की जो अकबर एक व्यवस्था लेके आया था उस सारी व्यवस्था को इसने कमज़ोर करने की कोशिश की और कुछ चीज़ों पर इसने प्रतिबंध भी लगाया। दरबार के अंदर जो होली और दिवाली मनाते थे उसके ऊपर रोक लगाई। इसने सामाजिक कार्य बहुत सारे किए। इसने वैश्यालय को बंद करने का आदेश दिया। जो वैश्याएं थी उनको शहर से बाहर निकाल दिया, उनकी कुछ की शादी करवा दी, सबको मजबूर किया कि अब इससे सारी समस्या से तुमको बाहर निकलना है। उसके साथ ही ये कहते हैं कि इसने 1679 में वापस जजिया कर लगा दिया था और तीर्थ यात्रा कर जो था वो भी लगा दिया था। कैसे एक नैतिक टाइप का व्यक्ति था, इसलिए इसको जो इस्लाम के लोग हैं उसको जिंदा पीर ज़्यादा कहते थे। अब साथियों हम इसकी बात कर लेते हैं, जो विद्रोह वाला चैप्टर उसको पहले कर लेते हैं। तो जो इसके समय में जाट विद्रोह हुआ और 1686 में इसने जाट विद्रोह को दबा दिया। एक सतनामी विद्रोह था, इसको ये कहते हैं कि ये एक्चुअली धार्मिक विद्रोह था। धर्म के बारे में बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा था, उस कारण से विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को भी उसने दबा दिया था। अगला था सिख विद्रोह। जो सिख धर्म था, जो उसके सिख गुरु थे, इसका टारगेट ये था कि अगर सिख गुरु हैं उसी को अगर इस्लाम कबूल करवा दें तो सिख धर्म ही ख़त्म हो जाएगा और सारा ये जो पूरा एरिया है इसमें पूरी तरीके से इस्लाम जो शासन व्यवस्था वो कायम हो जाएगी। इसलिए जो समय के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, उसको बुला करके इसने सीधा ऑफर दिया कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने इसके बारे में मना किया और इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इसके बाद इसमें आपस में इनका कई संघर्ष भी हुए। उसके बाद गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या इसने, औरंगजेब ने उनकी जो है हत्या करवा दी। उसके साथ में साथ ही राजपूतों का विद्रोह, ये विद्रोह निरंतर चले हर राजा के समय में। जब भी राज व्यवस्था दिल्ली की कमज़ोर हुई, मुगलों के शासन में कोई राजा जरा सा भी कमज़ोर हुआ तो तुरंत विद्रोह खड़े हो जाते थे। तो राजपूतों के जो विद्रोह थे उन विद्रोहों को भी इसने दोबारा औरंगजेब ने दबाया। जहाँ जहाँ भी विद्रोह उठे उनको ख़त्म किया। उसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है कि औरंगजेब का भी एक लड़का था जिसका नाम था अकबर। वो पुराना अकबर नहीं है, औरंगजेब का लड़का अकबर है। इसने भी विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ और ये जाके वापस जो मराठा जो थे उनका शरण ले लिया था इसने, सांभाजी थे, जिसके कारण से औरंगजेब ने सांभाजी को मरवा दिया था और उसके जो लड़का था साहू जी और उसकी पत्नी उनको बंदी बना लिया था। वो मैं मराठा साम्राज्य का जो वीडियो है उसमें विस्तार से इस कहानी को बता चुका हूँ। और एक था मराठों का विद्रोह। इसी समय में मराठा जो है विद्रोह कर रहे थे और बहुत एरियों में अपना कब्जा कर रहे थे। शिवाजी ने जो शुरू किया था तो उस समय वो विद्रोह भी रेगुलर चल रहा था। उसके बाद सांभाजी आए, पेशवा आए, फिर काफ़ी आगे तक बढ़ा हो, मगर जो ये विद्रोह था
इस विद्रोह के समय भी औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। 1665 में जो संधि हुई थी वो शिवाजी के बीच में और जयसिंह के बीच में हुई थी। जयसिंह कौन था? औरंगजेब का जो है सेनापति था वो, तो उसकी जो संधि हुई थी, जिस संधि में उसको काफ़ी ज़्यादा किले देना पड़े थे। 1666 में शिवाजी को बंदी बना लिया था, वहाँ से 1666 में शिवाजी निकल करके फिर वापस उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार या स्थापना की थी, राज्याभिषेक किया था। तो दोनों तथ्य मराठा वाले वीडियो में जुड़े हुए हैं। उसके बाद साथ ही इसने साउथ में बहुत बड़ा समय दिया। साउथ की विजय के लिए जो है ये बताते हैं कि कम से कम आखिरी के जिंदगी के 25 साल इसने साउथ में बिताए। 1686 में बीजापुर को जीत लिया था, 1687 में गुलकुंडा को जीत लिया था, और साथ ही 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। साउथ में जो है दौलताबाद में होती है, और वहीं पर एक फकीर की जो कब्र होती है उसी के अहाते में इसको दफना दिया जाता है। तो ये शादी इसकी मुख्य कहानी है। अब इसके जो विवादित विषय थे वो इसके बारे में समझना है कि ये किसके बारे में कहा कि हिंदू मंदिरों को इसने तोड़ा, इसके बारे में अलग अलग तर्क हैं। कुछ ऐसे तर्क हैं जो अलग अलग इतिहासकार अपने अपने हिसाब से रखते हैं। उसमें एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है रिचर्ड्स ईटन, ये विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने जो तथ्य दिए, जो तर्क दिए, उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो मंदिर तोड़े गए थे वो मंदिर तोड़ने का कारण धार्मिक नहीं था, मंदिर तोड़ने का कारण राजनीतिक था। और दूसरा तथ्य इन्होंने कहा कि मंदिर वहीं तोड़े गए जहाँ पर विद्रोहियों ने शरण ले रखी थी, जिन मंदिरों में। हमें भी साथ ही ध्यान रखना कि उस समय के जो मंदिर थे वो राजनीति के केंद्र थे, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पूरी राजाशाही में मंदिर थे वो राजनीति के केंद्र थे, और मंदिरों में खजाने रखे जाते थे, पैसा जो है मंदिरों में छिपा के रखते थे राजा। तो ये कहते हैं ये राइटर के जहाँ जहाँ इसके राजा के खिलाफ विद्रोह हुए और विद्रोह को जिन मंदिरों में शरण दी गई तो उन मंदिरों को तोड़ा गया, उन मंदिरों को तोड़वाया गया, तो उसका ये कारण राजनीतिक कारण था, धर्म के हिसाब से कि हिंदू धर्म के सारे मंदिर तोड़वाने, धर्म का हिसाब से टारगेट नहीं था, राजनीतिक कारण था। ईटन थे वो ये कहते हैं कि लगभग 15 मंदिरों को तोड़ा गया इस राइटर के आधार पर, और ये 15 मंदिर वही थे जहाँ जहाँ पे औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह हुआ, और विद्रोही का जो संचालन केंद्र वो उस मंदिर से था, उन्हीं मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाया। दूसरा वो ये कहते हैं कि साउथ में औरंगजेब बड़े समय तक रहा, मगर साउथ के किसी भी मंदिर को औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया। इससे वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंग जो धर्म के आधार पर जो ये बात कही जाती है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म के मंदिर तोड़वाए थे, हिंदू धर्म के हिसाब से धर्म को ख़त्म करने के लिए मंदिर नहीं तोड़वाए थे, वो ये बात सच है कि इस्लाम का शासन लाना चाहता था, मगर ये जो मंदिर तोड़वाए थे उसने वो उसके विद्रोह के कारण से तोड़वाए थे, राजसत्ता के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था उस कारण से तोड़वाए थे, ये लेखक कह रहे हैं। मथुरा का एक केशव राय का मंदिर था जिसको उसने तोड़वाया था। इसमें ये बताते हैं कि ये जो है जाटों ने जो विद्रोह किया था उसका केंद्र ये मंदिर था, जिसके कारण से इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। अब साथ ही कुछ लेखक यह भी बताते हैं कि औरंगजेब ने जो कुछ मंदिर हैं उनको अनुदान भी किया था, उनको बनाने के लिए पैसा भी दिया था। इसमें जो है बनारस का एक मठ है जिसको इसने फंडिंग की थी, चित्रकूट का बालाजी का मंदिर है, इलाहाबाद का सोमेश्वरनाथ का महादेव मंदिर है, गुवाहाटी में उमानंद मंदिर है, ये इस तरीके से कुछ मंदिर हैं जिनको, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिनको इसने फंडिंग किया। तो एक तरफ ये कहते हैं कि इसने मंदिर तोड़े हैं, कुछ राइटर्स ये भी बताते हैं कि इसने मंदिर को फंडिंग की, मंदिरों को बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया उनको। साथ में साथ ही कुछ राइटर ये लिखते हैं कि जो ये मंदिर तोड़ने का मुद्दा है, ये मंदिर तोड़ने का मुद्दा पहले कभी इतिहास में प्रमुखता से कहीं चर्चा में नहीं हुआ। ये जैसे ही 1980 के बाद हमारे देश में जब राम मंदिर का जो आंदोलन था, राम मंदिर के नाम पे जो चल रहा था,
उस राम मंदिर के समय में ही ये मुसलमान शासकों ने हिंदू मंदिर तोड़े, ये मुद्दा बना। तो 1980 से लेके मुद्दा बना, 1980 से लेके 1990 के बीच में इस मुद्दे को बहुत ही तेज़ी से उठाया गया और बहुत ही तेज़ी से इसका प्रचार किया गया। और 1990 के बाद राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ। उसके आगे की पॉलिटिक्स आपको पता है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता। कुछ लेखक इसको भी अंकित करते कि ये मुद्दा नहीं था, ये राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को बनाया गया। ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, औरंगजेब की जो सेना थी उसमें हिंदू कितने थे। अब औरंगजेब जब हिंदू विरोधी था और औरंगजेब जो है हिंदुओं को खत्म कर रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था, उसकी सेना में हिंदू कैसे प्रमुख पदों पर थे। तो इसमें ये बताते हैं कि हिंदू जो पिछले जो शासक थे उनके शासन व्यवस्था में जो प्रमुख पदों पर 24% हिंदू थे और औरंगजेब के समय पे ये 24% से बढ़कर के 33% हो गए थे। औरंगजेब के समय पे जो हिंदू थे, जो पदाधिकारी थे इसकी शासन व्यवस्था में, वो 33% लोग थे औरंगजेब के समय में। इसलिए ये तथ्य भी ये बताता है कि ये हिंदुओं के विरुद्ध धर्म के हिसाब से कोई ये संघर्ष नहीं था। ये लेखक इसको तर्क दे के समझाते कि सबसे तगड़ा तर्क है ये कि यदि वो हिंदू विरोधी धर्म का विरोधी होता तो इतने ज़्यादा लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को शासन व्यवस्था में नहीं रखता। तो ये तर्क है जो लेखकों ने दिया है। और ये भी कहते हैं आगे कि जो वरिष्ठ पद थे, जो वरिष्ठ पदों में कई राजपूत थे उसमें, और जो मुगल सेना थी अकबर के समय से ही मुगल सेना की कमान हिंदुओं के हाथ में थी। जो कछवाहा के राजा थे, भाड़मल थे, उनका लड़का भगवान दास, भगवान दास का लड़का मानसिंह, मानसिंह का लड़का जयसिंह, ये पीढ़ियों में जो है सेना की कमान, मुगलों की सेना की कमान के जो प्रमुख थे वो हिंदू थे। तो ये साथी कुछ तत्व थे जो अलग अलग लेखकों ने औरंगजेब के बारे में लिखे, जो इसके विवादित सवाल थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। यहाँ तक राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी, सारे राजा अपने अपने राज्य व्यवस्था को हिसाब से अपने अपने हिसाब से चला रहे थे। पूरा भारत देश एक राष्ट्र है, इस तरीके की अवधारणा यहाँ तक भी नहीं थी। जब ये अंग्रेजों ने फिर पूरे लोगों को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद से फिर जो है जो हमारा आज़ादी का आंदोलन चला, जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय अवधारणा पैदा हुई लोगों के मन में। तो अलग तथ्य है जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, आगे हम इसकी और विस्तार में चर्चा करेंगे। और इसके बाद से यहाँ अब अंग्रेजों का और जो कंपनी आई थी इनका दबदबा शुरू हो जाता है। अब अंग्रेज जो है कई राजाओं पे, कई क्षेत्रों में बंगाल से वो जीतना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद से साथियों अंग्रेजों का हस्तक्षेप हमारे देश में बढ़ने लगता है और यहाँ के बाद से जो मुगल शासक होते हैं वो शासक कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके आगे कहा गया उत्तर मुगल। उत्तर मुगल मतलब ये 1707 से लेकर के 1857 तक, इस बीच में मुगल शासन कमज़ोर हुआ और हमारा देश कई हिस्सों में बट गया, कई टुकड़ों में बट गया। बहुत सारे अलग अलग विद्रोह हो गए, बहुत सारे अलग अलग शासक हो गए, बहुत सारे अलग अलग राजघराने हो गए, राज व्यवस्थाएं हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इसी का कमज़ोरी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, इसी फूट का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। मुगलों का शासन का कमज़ोर होना, अलग अलग राज्यों का उदय होना, हर राज्यों की शासन व्यवस्था कमज़ोर होना, तो अंग्रेज़ों को कब्जा करने का एक बेहतर समय था, जिसमें धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्जा किया। तो इसको हम आगे बताएंगे। और जो उत्तर मुगल काल का जो शासन रहा उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और मुगल शासन यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और मुगल शासन ख़त्म होने के बाद से फिर अंग्रेज़ों का जो शासन व्यवस्था है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे निवेदन ये करते हैं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे ये भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें और साथ में हमारी प्लेलिस्ट पे जो दर्शन की सीरीज है उसको ज़रूर सुनें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।